चूर से नहीं है ये लोग निचोड़ रहे हैं आवाम को कि एक कतरा भी ना बचे बिजली भी छीन लिया पानी भी छीन लिया सब कुछ छीन लिया बाकी बचा क्या है खैर बहरहाल ये रोना तो चलता ही रहेगा हर तरफ से खबरें आ रही है कि सख्त फैसले लेने होंगे वरना श्रीलंका बनने के लिए हफ्ते हफ्ते बाकी हैं कितने हफ्ते? वो तो डिबेटेबल है लेकिन हफ्ते बाकी हैं जब हमारे पास पैसे ही नहीं है इससे पाकिस्तान पर एटम बम गिर जाता आप ममालिक हम इसका ममालिकन कर लीजिए तो चार मरले का प्लॉट होगा आपका मुल्क जालिम अब के भी ना बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे क्योंकि आगे सिचुएशन वही वाली आ रही है मरने वाली यानी आप सिविल किसी मुल्क में ये सब बातें इकट्ठी की जा रही हूँ डिफॉल्ट वेंटिलेटर पर है मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा 200 पर डॉलर पहुँच चुका हो और उसके बाद आप ये कहेंगे सिविल वॉर होगी अच्छा इसके बाद कुछ रह जाता है वाकई और जो महंगाई है वो इंतहा पर पहुंची हुई हो दहशत ऊपर से हो रही है एक ऐसे वक्त में जब बातें हो रही हैं डिफॉल्ट की कि या मुल्क डिफॉल्ट करेगा या आईएमएफ से लोन लेगा जब अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में मुर्गी कहां खड़ी है सब्जियां की तो और आज मुल्क में मैशत के दिवालिया होने के बड़े चर्चे हैं नाइनटीन में जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था तो जरात की जो कॉन्ट्रीब्यूशन जी डी पी को थी वो फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट थी लेकिन तीन साल पहले

हम दुनिया में बेच रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट हमारी कुछ सत्तर अरब डॉलर के करीब है तो दुग्ने से भी ज्यादा चीज़ें हम बाहर से खरीद रहे हैं वो डॉलर्स में खरीद रहे हैं तो दो सौ रुपये जब वो चला गया तो आप सोचिए एक महंगाई का तूफान है तो नूर आरफीन ये अब डबल सेंचुरी बन गई है हमें नजर आ रहा था वो ऐसे है कि मैंने किसी से किया कि भाई ऐसे नजर आ रहा है कि आगे दीवार में हम गाड़ी जो मीशत की है वो ले जा रहे हैं आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जी माशी बहरान पाकिस्तान में आ गया है ये जुमला तो मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ जब से मैं कुछ भी नहीं था जब से मैं स्ट्रगल कर रहा था जब मैं स्कूल जाया करता था किसी हुकूमत ने आने के बाद ये नहीं कहा कि हमें खजाना भरा हुआ मिला है किसी अगली हुकूमत ने आने के बाद पिछले वालों को ये नहीं कहा कि ये इंतहाई कॉम्पिटेंट और काबिल लोगों पर मुझत, हुकूमत थी आप भी वही काम मेरे सरकार किए जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि यह सब लंतरानियाँ सुना करके आप अवामी पाकिस्तान की मालूमात में इजाफा कर रहे हैं नो सर एब्सोल्युटली नॉट एब्सुलटली नॉट इमरान खान ने जो गड्ढा खोदा बकौल आपके मजा तो तब है कि आप उस गड्ढे को पुर करने के लिए मैं गड्ढा पुर करने की बात नहीं करता उसके लिए कोई बुनियादी पहला कदम उठाएं। साढ़े सत्रह रुपया गिर गया है पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो साढ़े सत्रह रुपये गिर गई है और उसके नतीजे में तेईस सौ अरब रुपये का हमें कर्जा बढ़ गया है तेईस सौ अरब रुपए का आज के दिन की मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं यानी मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं अठारह तारीख की और ये जब आए थे उस दिन से लेकर आज तक तेईस सौ अरब रुपए बढ़ गया क्योंकि रुपए की कीमत गिर रही है और कोई वजाहत कोई बात करने को भी तैयार नहीं है कि क्यों बढ़ रही है क्यों ये क्यों हो रहा है ऐसे क्यों हो रहा है क्योंकि हमने बाहर से जो कर्जे लिए हैं हमने यहां से रुपए उन डॉलर्स में कन्वर्ट करने और फिर कर्जे डॉलर्स में वापस करने हैं तो ये जब हमारा रुपया पहले मैं साठ रुपए या सत्तर रुपए में एक डॉलर लेके उनको वापस करता था मैंने उनसे कर्जा लिया था जब साठ रुपए का था डॉलर और जब वापस करूंगा तो मैं दो सौ ढाई सौ रुपए यहां से देख के और फिर एक डॉलर में वापस करूंगा आज पाकिस्तान का हर शहरी हर बच्चा हर बूढ़ा हर खातून हर नौजवान दो लाख छियालीस पैंतालीस छियालीस हज़ार का कर्जा उसके सर पे पड़ चुका है दूसरी बात यह है कि आप आज श्रीलंका मैं श्रीलंका को डिस्कस कर रहा हूं एक अरसे से और अब मुझे जरा कभी कभी दुख भी होता है और कभी कभी इसके ऊपर ताजु भी होता है कि अब पाकिस्तान में श्रीलंका डिस्कस हो रहा है लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज श्रीलंका में बदकिस्मती के साथ आ, वहां पर ऑयल खत्म हो गया है और पेट्रोल खत्म हो गया है और वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जी एक शिप खड़ी है और वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं वो मेरे पास पिक्चर्स नहीं है इस वक्त लेकिन हम कोशिश करेंगे कल दिखाएं आ, जो उनकी कोलंबो की बंदरगाह है उससे कुछ फासले पर जहाज़ खड़ा हुआ है और जहाज के अंदर पेट्रोल मौजूद है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जी <coughs> हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन हम ये पेट्रोल हम उम्मीद करते हैं इस बात की कि कोई ना कोई हमें पैसे दे देगा कोई ना कोई मुल्क हमें पैसे देगा और उसके नतीजे में हम ये पेमेंट करके और ये पेट्रोल अगले चौबीस अड़तालीस घंटों में ले सकेंगे लेकिन उन्होंने उम्मीद दिलाई है अपने आवाम से और कहा है कि आप पेट्रोल पंप तक ना जाएं क्योंकि पेट्रोल पंप्स के ऊपर चार चार मील की तवील कतारें खड़ी थीं तो आज उन्होंने अनाउंस किया है कि पेट्रोल पंप्स के बाहर कतारें बंद कर दी जाएं क्योंकि पेट्रोल मुल्क में खत्म हो गया है पेट्रोल मुल्क में खत्म होने का मतलब यह है कि मुल्क का बड़ा हिस्सा तारीखी में डूबा हुआ है और साथ ही इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको वर्ल्ड बैंक या कोई दूसरा मुल्क इतने पैसे दे के कम से कम वो एक जो शिपमेंट वहां पहुंची है एक शिपमेंट इससे पहले भी आई थी आपको याद होगा फेबर बिल्कुल वापस और वो शिपमेंट चली गई थी क्योंकि वो कार्गो जहाज आया था एक शिपमेंट आई थी जनवरी में, में जी से खास जो बाई सी और उस वक्त वो ये दूसरी शिपमेंट है जिसके पैसे नहीं है उनके पास और वहाँ पर अब सवाल ये है कि अगर कोई भी मुल्क शिपमेंट देता है तो दूसरी ये कितने दिन चलेगी इस पर तो बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि जैसी जहाज लंगर अंदाजों ऐसा ना लोग धावा बोल दें और वहीं पर जहाज़ को ही में जो है पेट्रोल छीनने की कोशिश करें या ले जाने की कोशिश करें और वहाँ पर राइट शुरू हो जाए तो वहाँ पर फौज वगैरह खड़ी है बाहर मैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अचानक आ जाती हैं नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको इल्म होता है डॉलर नीचे रुपया बेकदर हो गया बिल्कुल बेकदर होता जा रहा है और आपकी आपके जो अकाबरीन है वो इस बात पे तय नहीं कर पा रहे कि जी मतलब कैसे आगे जाना है मीशत का क्या बनेगा देखिए एक जगह एक पॉइंट क्रॉस हो जाता है ना रेड लाइन तो मेरे ख्याल से बहुत पहले क्रॉस हो होता बिल्कुल है. ये आप उसके आप सवाल है वो वापस नहीं ला सकते आप श्रीलंका का मिसाल दे रहे हैं लेकिन इस वक्त जो हुकूमत को फैसले करने चाहिए आईएमएफ के साथ मुजात तो कर रही है हुकूमत लेकिन जो सख्त फैसले बाद में अगर हुकूमत ने करने हैं अगर वो अभी कर ले तो क्या आप समझते हैं कि आवाम के लिए आने वाले दिनों में परेशानियां दूर हो सकती हैं या कोई मुश्किलात में कमी आ सकती है नहीं देखें सख्त मुझे तो ये ये समझ नहीं आ रहा पहले तो देखें सख्त फैसले तो वो है ना कि आपने आ, उनके साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं कि हमने सब्सिडीज खत्म कर रही हैं उसको तो आप रखिए ना एक तरफ ये मुझे बताएं कि ये डॉलर आप क्या उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार चुके हो चुका है हमने कमिट किया हुआ था इसलिए स्टेट बैंक के पास जो है वो डॉलर और रुपए का रेट है हम कुछ कह नहीं सकते स्टेट बैंक के वाइस राय तो चले गए हैं पता नहीं कौन स्टेट बैंक को संभाल रहा, रहा है तो मतलब आई एम एफ को हम के नाराज ना हो जाए आई एम एफ तो हमने रुपया जाए जहनुम में हमने बात भी नहीं बतानी लोगों को किसी ने आके हाँ। कि भाई ये रुपया किस तरह आप आप याद करें एक दौर में इसहाक डार साहब और शेख रशीद साहब और एक रुपया दो रुपया ऊपर नीचे होता था तो एक हंगामा एक जना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वजातें होती थी इस वक्त ऐसा लगता है कि सारे आवाम को छोड़ के भाग गए हैं लोग कोई जवाब देने वाला नहीं है भाई लोग किसके पास जाए बस स्टॉक मार्केट रो रही है उधर कारोबारी शख्सयात रो रहे हैं उधर वो आपके पास जो है वो डॉलर्स दो सौ पांच दो सौ छह का डॉलर आज ओपन मार्केट दो सौ दो तक गया उसके बाद वो जो है वो दो सौ गायब हो गया मतलब डॉलर गायब होने शुरू हो गए